Allahu 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 Allah Allahu Allah. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kama sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidum Mecid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidum Mecid. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve halul ukdatan min lisani yefkahu kavli. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kya hal hai aapke students? Umeed hai ki aap sab imaan aur sehat ki behtareen halat mein honge. Aaj alhamdulillah hamari practice number hai 10. Theek hai. Aur lesson number hai 40. Isme hum karenge Suratul Baqara ki ayat number 148. उसका एक छोटा सा पार्ट है, हम उसको करेंगे, ठीक है? फुल आयत नहीं है. तो जो हम करेंगे वो है फस्तबिकुल खैरात, बस नेकियों में सबकत ले जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको करते हैं. तो ये भी हमारे पास एक रिमाइंडर है, ठीक है? और इसको समझने के लिए हमें इसका जो पहला पार्ट है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि उसमें है कि हर जो शख्स होता है उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ लाइफ होता है, ठीक है? मतलब वो उसकी तरफ जो होता है वो अपना चेहरा मोड़ता है. हर शख्स जो होता है ना उसका एक डिफरेंट सेंटर ऑफ लाइफ होता है. सेंटर ऑफ लाइफ से आप कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी का मकसद, ठीक है? या फिर पर्पस ऑफ लाइफ जिसको लोग कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है ना. तो हर बंदे का जो है वो डिफरेंट होता है. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि चूंकि हर शख्स जो होता है वो एक सिमत होती है जिसकी तरफ वो अपना चेहरा मोड़ता है, ठीक है? और तुम क्या करो, आपने क्या करना है, बस आप जो है वो नेकियों में सबकत ले जाओ. कि हर जो शख्स होता है उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ लाइफ होता है. तो हमारा सेंटर ऑफ लाइफ एक मुसलमान का वो क्या होना चाहिए कि वो जो है नेकियों में सबकत ले जाए, तो नेकियों में कंपीट करें ना. जैसे हम जिंदगी में अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं या पूछते हैं उनसे कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो उनको हम एक सेंटर ऑफ लाइफ या ज़िंदगी का मकसद बता रहे होते हैं. तो हम क्या कहते हैं उनको, अच्छा तुम टीचर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लेकिन ये नहीं बताते कि क्यों भी ये सब कुछ बनना है ना आपने. बस इतना बता देते हैं कि तुमने ये बनना है, ठीक है? या फिर अगर बताएं भी तो ये बताते हैं कि जब दुनिया में उनकी बड़ी इज्जत है इस प्रोफेशन की, अब इसे अच्छा जो है वो क्या उसका मनी जो है ना इससे ले सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी इनकम दे सकता है ये वाला प्रोफेशन. बट ये नहीं बताते कि उससे आपको अल्लाह की रज़ा मतलब कितनी मिलेगी. तो नेकियां जो होती हैं वो छोटी छोटी इतनी नेकियां होती हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा मौके आते हैं, बट हम जो है हमें पता ही नहीं होता और हम उनको ज़ाया कर देते हैं. जैसे अगर आप बड़ी बड़ी नेकियां नहीं कर सकते तो हम छोटी छोटी तो कर सकते हैं. किसी से मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें, ठीक है? और ये सोच कर मिलें कि मतलब दूसरे से मुस्कुरा कर मिलना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. तो जब हम अपने नबी की सुन्नत जो है उस पर अमल करेंगे तो इट्स मीन कि वो नेकी का काम है, ठीक है? इसी तरह अगर किसी प्रोफेशन का भी बताते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है? तो ये भी बताएँ कि देखो कितना अजीम प्रोफेशन है, इसे आप दूसरों की जो लाइफ है उसको बचा सकेंगे. तो मतलब उसके अंदर एक नेकी का जज्बा पैदा करना चाहिए. तो हमारा सेंटर ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए कि हम नेकियों में सबकत लेकर जाएं. लोग जैसे हम कंपीट करते हैं ना दुनिया की ज़िंदगी में डिफरेंट लोगों के साथ, जैसे ठीक है हम कंपैरिजन करते हैं ना बेसिकली. तो किस चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, स्टेटस में, ठीक है?
किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, घर किस तरह के हैं, कपड़े किस तरह के पहनते हैं, खाता पीता किस तरह का है वो। तो हमें भी ऐसे करना है इस चीज़ में कि हम अपना कंपैरिजन करते हैं। बट एक मुसलमान को अगर कंपैरिजन करना है ना, तो फिर किस चीज़ में करें, देखें कि नेकियों में कि फलाने को कितनी ज़्यादा नेकियाँ करते हैं, तो मुझे भी उससे ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो ये होना चाहिए ना असल में कंपैरिजन। पर हम लोग क्या करते हैं ये दुनिया की ज़िंदगी के बस कंपैरिजन करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब होना चाहिए, सारी चीज़ें हमारे लिए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इन सबको हमारे लिए मुज़य्यन किया है, इनकी मोहब्बत भी हमारे दिलों में डाली है। हर चीज़ की मोहब्बत होती है इंसान के दिल में ना, लेकिन इनके साथ साथ इनके लिए खुद भी फ़ायदा उठाना चाहिए अल्लाह की नेमतों से, और दूसरों को भी उन चीज़ों के ज़रिए, उन नेमतों के ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो देखें, छोटी सी आयत है, बट हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए उसमें बहुत वाज़े तरीके से अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप लोग जो है वो नेकियों में कम्पीट करो, नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करो। छोटी छोटी नेकियाँ होती हैं उसी में कर लो। ठीक है, अगर बड़ी नहीं हम कर सकते, ठीक है, तो छोटी छोटी में कर लें। तो ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स हैं हमारे लिए। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि हम जो प्रैक्टिस करें उसमें उन्हीं आयात को मैंने कोट करने की कोशिश की है कि जिसमें हमारे लिए रिमाइंडर्स हो ना, हमारे हमारे लिए उन चीज़ों में, ताकि हम उन चीज़ों को याद रखें। कि जैसे सबसे पहले हमने किया था ताऊस तस्मिया किया था, क्या वो तो ये कि हम जब भी कोई अच्छा काम शुरू करने लगें, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो अल्लाह के नाम में आना चाहिए, देन फिर अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ उसको शुरू करना चाहिए। और फिर हमने कुछ किया थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने किया था अला बि ज़िक्र अल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, ठीक है, वो भी एक रिमाइंडर था कि दुनिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बट ज़रूरी नहीं होता कि उनमें हमारे लिए सुकून भी हो। सुकून सिर्फ़ एक ही चीज़ में है, अल्लाह की याद में। ठीक है, और अल्लाह को याद करने के डिफरेंट तरीके हमारे पास, हम तस्बीह कर सकते हैं, अल्लाह से बातें कर सकते हैं, अपना हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह को बता सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि अल्लाह की याद आपके दिल में रहे ना। और मेरे एक टीचर ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास सामान राहत हो उसके पास राहत भी हो, बल्कि जिसके पास, हम जिन चीज़ों को समझते हैं ना, सामान राहत, जैसे मतलब अच्छा घर हो, गाड़ी हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छी एजुकेशन हो, औलाद हो, ठीक है, दोस्त हो, हम इन चीज़ों को समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सामान्य राहत है हमारे पास, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हों तो हमारे पास सुकून भी हो। सुकून हमें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से मिलेगा। ये सारी चीज़ें हों और इनके साथ आप कि दिल में अल्लाह की याद हो, देन आपके पास फिर एक अच्छा ज़िंदगी, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी होगी, ज़िंदगी का अच्छा मकसद होगा। फिर उसके बाद हमने की थी एक दुआ की थी, ठीक है, आई थिंक रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर रब्बी वतमिम बिलखैर, ये भी बड़ी प्यारी दुआ है। और इसके बाद हमने एक की थी, किया था फ़फ़िरु इलल्लाह, के अल्लाह की तरफ दौड़ो तुम। ठीक है, सिर्फ पैदल पैदल नहीं चलना, ज़ाहिर है जिस इंसान से हमें मोहब्बत हो तो देन हम क्या करते हैं, हम दौड़ कर उसकी तरफ जाते। तो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करें कि आप उसकी रज़ा के कामों की तरफ दौड़ें, सिर्फ पैदल पैदल नहीं चलना, ठीक है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलें, नो, दौड़ कर जाना। फिर एक की थी सूरत रहमान की आयत, फ़बिअय्यि आलाई, कि आप अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएँगे। तो मतलब सूरत रहमान में काफ़ी ज़्यादा नेमतों का जिक्र हुआ था, उसके बाद ये आयत बड़ी दफ़ा मतलब रिपीट भी हुई ना। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों में सब वो एक्चुअली हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ वो हमारे पास नेमतें हैं अल्लाह ताला की, और हमें अल्लाह ताला की शुक्र अदा करना चाहिए उन पर। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास मतलब कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, हार्डशिप्स आ जाती हैं ज़िंदगी में,
तो फिर होता यह है कि हम सिर्फ उन्हीं पर तवज्जो रखते हैं, हम अपनी सारी नियमत को भूल जाते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। ठीक है, हमारे पास हमारी जो एक जिस्म है ना, यही बहुत बड़ी नेमत है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेहत है वो बहुत बड़ी नेमत है अगर हम उस पर गौर करें तो। लेकिन क्या होता है कि हम उनको भूल जाते हैं, तो अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखना चाहिए। ठीक है, और उन नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, सिर्फ याद नहीं रखना चाहिए, हालात जैसे भी हों। ठीक है, तो नेमतें बहुत सारी हैं, बस गौर करने की ज़रूरत है हमें। और इसके बाद हमने आज ये वाला किया, ठीक है, ए रिमाइंडर के नेकियों में सबकत ले जाओ, दिस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ ऑफ ए मुस्लिम, कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का यही सेंटर ऑफ लाइफ होना चाहिए कि वो नेकियों में सबकत ले जाए। और छोटे छोटे काम होते हैं, अगर हम उन पर अपनी नीयत जो है उसको खालिस कर लें, देन वही हमारी नेकियां बन जाती हैं। किसी से मुस्कुरा कर मिलना, ठीक है, अगर कोई किसी को कोई ऐसी बात ना कहना जिससे मतलब वो हर्ट हो। हमें पता होता है, बाज़ अवक़ात बड़ी दफ़ा हमें पता होता है कि हम ये बात कहेंगे तो सामने वाला जो है ना वो उसको अच्छी नहीं लगेगी, बट फिर भी हम उसको टीज़ करने के लिए ज़रूर वो बात कहते हैं, तो इससे अवॉइड करना चाहिए हमें। ठीक है, फिर सलाम में पहल करना, किसी आप अजनबी को मिलें फिर भी सलाम करना उसको, और भी अपने वालदैन का काम आना। ठीक है, छोटी छोटी बातों में, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको छोटे छोटे काम कहते हैं, आप ये समझ कर वो काम करें कि अल्लाह ताला का हम हुक्म मान रहे हैं कि अपने वालदैन की अतात करें, तो ये भी नेकियों में शुमार होता है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आप ज़िंदगी के जितने भी काम हैं अगर वो सुन्नत के मुताबिक करें तो सारी इबादत में शुमार होंगी आपकी। ठीक है, छोटे छोटे काम, बस ये सोच रखनी चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर काम कर रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया, और इसमें देखें हमने थोड़ी सी कंपोजिशन किया है इंक्लाइंड शेप में। एक्चुअली कंपोजिशन कोई ख़ास तो नहीं की, बट इसको लिखा है इंक्लाइंड शेप में है। और इसके अलावा फस्तबिकू जो हमने लिखा है उसमें सीन को अलहदा लिखा है और ताबा एंड काफ वाव इनको अलहदा से, ठीक है, ऊपर करके जिस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको, ये भी एक लिखने का तरीका है। ठीक है, था तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक, बट है मैंने सोचा कि आपको जो जो कुछ हम लिख रहे हैं उसकी थोड़ी सी साथ में डिटेल्स भी बता दूं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप जो भी कुरान मजीद की आयत लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं, देन उसको याद रखने की कोशिश किया करें और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश किया करें। ठीक है, बिकॉज़ कुरान जो है ये हमारे पास अमल के लिए ही आया है। तो आप अपना और अपने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे स्पेशली अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।